हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है परसेंटेज। चलिए हम परसेंटेज की तरफ चलते हैं, ठीक है। और इसके पहले मैं आपको संख्या पद्धति पढ़ा चुका हूँ, तो हम चलते हैं आज परसेंटेज की तरफ, वो भी बेस लेवल। चलिए सबसे पहले कुछ फार्मूला है, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो क्या है परसेंटेज, क्या है प्रतिशत? तो वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। 100 हो, हर में क्या होता है? डिनोमिनेटर। जी हाँ, क्या होता है? डिनोमिनेटर। यक्ष प्रतिशत का अर्थ है, यक्ष प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में यक्ष भाग। इसे यक्ष परसेंट से व्यक्त करते हैं। इसे हम किसे व्यक्त करते हैं? व्यक्त करने को हम कहते हैं प्रदर्शित करना, ठीक है। एक परसेंट से व्यक्त करते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। एक्स परसेंट बराबर, एक्स मान लीजिए कि कोई संख्या है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? एक्स बटे 100, ठीक है। अब एक्स परसेंट को हम इसको हम सरल करके देखते हैं, ठीक है। ये आपका सवाल होगा ना कि आप कहेंगे कि सर आप इसको समझाइए थोड़ा। तो चलिए हम एक दो टॉपिक ले लेते हैं। तो एक्स को हम क्या मान लेते हैं? एक्स परसेंट को 5% मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 5%, ठीक है। अब 5% का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसके बराबर क्या करेंगे? एक्स को हम क्या मान लेंगे? 5, ठीक। अब ये तो 100 तो है ही, तो सिंपल सी बात है, 5 1 क्या 5 ही कट गया, तो 5 2 के 10 आपका आया क्या? 1/20। आपका क्या हो गया आंसर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से अब मान लीजिए कि एक संख्या हम और ले लेते हैं, 10 को ले लेते हैं, 10%, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया? 10%। परसेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। सत माने 100, ठीक है। तो 10/100, ये खुद कह रहा है कि सत, ये जो परसेंट है इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिशत। यानी कि 100 इसको हम सरल करते हैं, तो 10 1 10 हो गया, 10 10 में 100। आपका क्या आ गया? बराबर के 1/10। आपका क्या हो गया आंसर? क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरीके से अब हम पॉइंट नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। भिन्न a/b को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए सूत्र, ठीक है। a/b ये भी कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसानी से अभी उसको समझिएगा, ठीक है। a/b को प्रतिशत यानी कि परसेंट, प्रतिशत यानी कि फिर यहाँ पे बता दिया कि 100%, ही 100 है, ठीक है, में व्यक्त करने के लिए सूत्र। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड? a/b क्या क्या है? a/b बराबर क्या हो जाएगा? a/b × 100। अब इससे क्या हो जाएगा? परसेंट, ठीक है। अब चलिए कोई हम संख्या को ले लेकर देखते हैं। अब एक जगह पे हम कोई संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए 2, b के जगह पे हम मान लेते हैं 5। इसको चलिए हम सरल करते हैं, ठीक है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? 2/5 × 100 है, मल्टीप्लाई बाई 100 है, तो 100, ठीक है। इसको हम सरल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 1 क्या 5, 5 2 के 10, ये 0 बचा तो यहाँ पे आ गया, 20 हो गया आपका। तो 20 दूना क्या हो जाएगा? 40। आपका यहाँ पे क्या हो गया? 40%, 40%। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, आपका ये हो गया आंसर। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी तरफ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दो आवश्यक नियम क्या है? दो आवश्यक नियम संक्षिप्त विधि से, यानी कि छोटे विधि से, सार विधि से। यदि ए का मान बी से, जी हाँ, क्या कह रहा है? यदि ए का मान बी से 8% अधिक हो तो, ठीक है,
अब आर कोई संख्या यहाँ पे है, अब मान लीजिए कि कोई संख्या दे दिया, अभी तो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, कोई संख्या दे दिया तो आप फंस जाएंगे कि आर क्या है, तो आर क्या होगी, कोई संख्या होगी, ठीक है। तो चलिए यदि अधिक हो तो तब इसके लिए सूत्र क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे के 100, ठीक है। अब ये क्या है, जब अधिक है तो प्लस हो जाएगा, 100 प्लस आर, ठीक है, गुणे 100, ये क्या हो जाएगा पूरे के परसेंट, क्लियर। तो अब चलिए ये हो गया, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर हम चलते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। अब फिर वही करना है फिर से, यदि ए का मान, क्या कह रहा है, ए का मान बी से, जी हाँ बी से आर परसेंट, अब यहाँ पे क्या था, अधिक, क्या था, अरे अधिक था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका विपरीत, कम हो तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, ये खुद ही बता रहा है, 8% कम है, यानी कि माइनस तो होना ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कम हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बराबर आर बटे 100, 100 तो वही है, कोई बदलाव नहीं है। अब यहाँ पे जो अधिक था, तो अधिक के लिए आप जानते हैं कि प्लस का निशान लगता है, और कम के लिए क्या होता है, माइनस, यानी कि ऋण का निशान लगता है, तो क्या हो जाएगा, आर बटे 100 माइनस आर, गुणे क्या हो गया आपका 100, ठीक है, ये आपको क्या हो गया परसेंट। आप वीडियो में बने रहिएगा, तो आई होप कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अब अगला सूत्र अगले दिन दिया जाएगा। थैंक यू।